Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. Bolo Zuba Kesari. गाँव में प्राथमिक विद्यालय कौन सा? कोई ना, कोई चीज ना, कोई सुविधा ना, ना कोई नौकर है पूरे गांव में, ना कोई स्कूल है, कोई सुविधा ना गांव में। तो धर्मेंद्र यादव का दौर कैसा था? बहुत बढ़िया दौर हो, सबका चुनी ने बताऊ को नाम रोशन करो। और जो कोई लोग 5 किलो अनाज दे रहे हैं अपने घर से थोड़ी ना दे रहे हैं, 100 रुपया पेट्रोल दे रहे हैं। वोट पूरा पड़ेगा या कम पड़ेगा? वोट पूरा बीजेपी को ही पड़ेगा। गाँव आए कोई आपके? आदित्य यादव, शिवपाल? गाँव कोई नहीं आया। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैसे लगते हैं आप लोग? मोगल गौठिया, मोगल गौठिया, मोगर गौठिया। अच्छा, चलू भाई साहब। तो गांव का नाम मोगर गौठिया है और लोकसभा हुई बदायूं। लोकसभा बदायूं हुई, तो हम बदायूं लोकसभा कवर कर रहे हैं और घूमते फिरते ये मोगर गौठिया गांव में अंदर चले आए कि देखते हैं। तो एकदम समय बच्चे ने बताया कि वहाँ बड़ी भीड़ लगी अंदर गांव में, वहाँ जाके आप बात कर सकते हो चुनाव के बारे में। तो यहाँ पर आए तो भीड़ खूब लगी हुई, तो हमने पूछा सबसे पहले भाई क्या भीड़ क्यों लगी भाई साहब? सही बात है, दो भाइयों के हिस्सा बंटवारे की बातचीत, दो भाइयों के हिस्से के बंटवारा हो रहा है, बातचीत चल रही है, शांतिपूर्वक बातचीत चल रही है, शांतिपूर्वक बंटवारा निश्चित हो चुको, तय हो गया। क्या हुआ बताइए? अब हो गया। कितनी जमीन थी आपस में दोनों भाइयों? अरे थोड़ी जमीन है, 3-4 बीघा जमीन है। 3-4 बीघा, तो 2-2 बीघा दोनों को बराबर बराबर मिली है? हाँ भैया भैया उनको बराबर कर दी गई, सब लोगों ने मिल गए। अच्छा, तो कितने भाई हैं वो लोग, परिवार में कौन कौन है, क्यों है, कौन ये तो बताइए, दावेदार कौन है, गए आप लोग? गांव के बड़े बुजुर्ग जुटे हैं कि शांति से निपट जाए? अच्छा, निपट गया है। अच्छा ये बताइए, जो हिस्सा बंटवारे की बात आती है तो कोर्ट और सरकार जो नियम कानून है वो ये कहते हैं कि बेटियों को भी हिस्सा मिलेगा, मिलता है गांव में यहाँ पर? हाँ बेटियों को मिलता है, लेकिन कुंवारी सही से बताइएगा, कुंवारी लड़की कोई नहीं है, सब शादीशुदा लड़की, शादीशुदा होकर चली जाती है अपने घर। हाँ ना, उनको नहीं मिलता? नहीं, नहीं देते आप लोग? अरे जो बाप है, बाप के नाम जमीन है, बेटी की शादी हो गई, बाप मृतक हो जाओ तभी तो हिस्सा मिलेगा, बाप जिंदा है तो थोड़ी ना मिल जाओ। जैसे यहाँ बंटवारा हुआ, इनकी बहन है, जिनके भाइयों बंटवारा हुआ उनकी बहन है? हाँ, बोल, बहुत पहले शादी हो चुकी ना बाप के जमाने में, उनको नहीं मिलेगा हिस्सा? भैया अब तुम दोगे तभी तो देंगे सर, बाप अपने घर की मालिक हो गई। अच्छा हाँ, वो अपने पति की संपत्ति लेगी। अच्छा, मगर नियम कानून तो ये भाई बाप की पिता की संपत्ति पर जितना अधिकार बेटों का है उतना इन बच्चियों का भी तो हुआ, तो उनको क्यों नहीं मिलता है? सबको सबको ऐसे ही चलता हुआ। क्यों बाबूजी, आप बताइए, आप तो गांव के बड़े बुजुर्ग का नाम बताइए। बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई। नाम बताइए, नाम बताइए। मेरा लाखनराम नाम है जी, लाखनराम जी। आप बताइए, आप तो बड़े बुजुर्ग लग रहे हैं, गांव के बड़े बुजुर्ग और बताएं हमको ऐसा क्यों? बच्चों का पालन पोषण, लड़कियों का पालन पोषण, शिक्षा को विवाह जो इंतजाम तो कर सकते हैं, लेकिन शादी होने के बाद उनका ऐसा नहीं रहता है। अच्छा, एक बार शादी हो गई तो पराए घर की हो, हमारे घर में आओ, स्वागत सत्कार चाय पानी हो जाएगा, हिस्सा मत मांगना। ऐसा है? क्या बाबूजी नाम है आपका? मेरा खेमपाल नाम है। क्या करते हैं आप? खेती का काम करते हैं सर। खेती जी, यहाँ इस क्षेत्र में खेती में क्या क्या होता है? खेती में गन्ना है, धान है, गेहूं है। गन्ना, हाँ, धान, गेहूं, मक्का, मक्का, मक्का और फसल। हमने सुना कि बदायूं क्षेत्र में मेंथोल की खेती बहुत होती है क्या? हमारे गांव में बहुत कम कम है, पहले होती थी, पहले होती थी, अब नहीं करते। तो काम क्यों कर दिया आप लोगों ने? उसे कोई लाभ नहीं हुआ, लाभ नहीं मिल रहा। क्या बाबूजी नाम है आपका? मेरा नाम गंगा साहब। आप भी खेती करते हैं? हाँ, कितनी खेती है अपने पास? 2-3 बीघा। अच्छा, तो क्यों मतलब यहाँ पर आप लोगों ने मेंथोल खेती क्यों कम कर दी? फायदा नहीं हो रहा? फायदा नहीं हो रहा है। अच्छा, हमको थोड़ा समझाइए, मतलब कितना पहले फायदा होता था और अब नहीं हो रहा, क्या खेत ऐसे हो गया जो ढील गए? अच्छा, खेती ना हो रही है बढ़िया, अब और फसल हो रही है, मक्का हो रही है, अब तो ज्यादा आगे आगे मक्का, मक्का हो रही है, मक्का फसल रेट ठीक मिल रहा है। क्या रेट मिल रहा है अभी? मक्का 2000 बिकते है, 2000। और लागत कितनी आती है? लागत थोड़ी आती है, पैदावार बढ़िया है, 8-7 क्विंटल हो जाती है। अच्छा, 1 बीघे में 8 क्विंटल? हाँ, 5 क्विंटल की बैठते हैं, 5 क्विंटल 1 बीघे में 5 क्विंटल, 4000 रुपए लागत। अच्छा, 1 बीघे पे? हाँ, 4-5 हजार, 700 रुपए किलो मक्का को बीज है, 2 किलो से 2.5 किलो 1 बीघा में जुताई है, 500 रुपए बीघा जुताई है, पानी है, 5-7 पानी लागत है, 8-10 स्प्रे लागती है, और फिर मेहनत मजदूरी बचत कछ ना है खेती में।
तो बचत नहीं है तो आप लोग फिर भाई घर के खर्चे और काम कैसे होते हैं भाई? भाई भाई रोजदर्रा चटनी और साग, चटनी और साग बस जाए काम, और कब कोई बढ़ती काम है? कहू साझे को भूखे पेट, कहू साझे को खाली पेट, अरे कहू भूखे सोए गए, कहू अफर के सोए गए। सही बात है, जैसे कि जो भाई सरकार बोलती है कि भूखे पेट कोई नहीं सोता, हम राशन बंटवा रहे हैं, राशन बटता है गांव में, मिलता है लोगों को राशन बटो, सरकार बढ़िया काम कर रही है, राशन बटवा रही है, लेकिन सरकार राशन की जगह पर और कुछ काम दे ले, संघ तो कुछ हो सके तो अब निरो राशन की बैठ के धूप बत्ती से ही काम थोड़ी ना चल जाए, वो ना अगरबत्ती से पेट भर जाए, वो ना धूप बत्ती से भर जाए, वो रोटी से पेट भर है वो। और जो कोई लोग 5 किलो अनाज दे रहे हैं भी अपने घर से थोड़ी ना दे रहे हैं, 100 रुपये पेट्रोल दे रहे हैं, 110 रुपये डीजल दे रहे हैं, 100-125 रुपया के ऊपर सब पार कर रहे हैं, गैस सिलेंडर 1000 रुपया दे रहे हैं, तो कोई अपने घर से थोड़ी ना दे रहे हैं। अरे घर से दो तब है ना, ये जिनकी जिनकी लाखों रुपया की फैक्ट्री है, 1000 रुपया करोड़ों टैक्स कमा रहे हैं, वे लोग कितने दान कर देंगे? ना कर सकत, लेकिन मजबूरी है, मोदी जी को वोट देते हैं लोग देने। अच्छा, हाँ। क्या मजबूरी है? मजबूरी जहाँ देश में बेई तो है योगी है, मोदी जी है। अच्छा, बाकी उन्हीं को वोट दोगे तो गांव में रहोगे। अच्छा, सही सलामत। और नहीं दोगे तो? नहीं दोगे तो फिर लफड़ा लफड़ा है। अच्छा, इसलिए वोट तो देनी है। बाबूजी क्या लफड़ा पता नहीं, लफड़ा होता है कोई? नहीं, यहाँ तो कोई लफड़ा नहीं, अपने समझ है, हर आदमी की अपनी अपनी समझ है, अपनी अपनी समझ है। वैसे जैसे अब चुनाव चल रहा है, हमें किसी ने बताया कि इस गांव में बिरादरी देखे तो मौर्य बिरादरी ज्यादा रहती है, है? मौर्य शाकी भी रहते हैं, सब एक ही। हाँ, तो ज्यादा बिरादरी यहाँ पर रहती है मौर्य शाकी है। अब चुनाव चल रहा है तो चुनाव को लेकर क्या गाँव में चर्चा है, क्या माहौल दिख रहा है? सब बीजेपी, सब बीजेपी, हाँ बीजेपी का 100% बीजेपी। अच्छा, बीजेपी का 100% बीजेपी। क्या कारण है, गांव के लिए क्या हुआ है, गांव में क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं, आप लोगों के लिए कुछ योजनाएं आई हैं? विकास है, विकास है, सुना विकास ना बहु, लोग थोड़ी गंजन से परेशान है, इसलिए हाँ गंजा फंजा ना ता से खुश है, बीजेपी गैया बंद कर देंगे। बहुत कम है गाय बंदर है, गाय और बंदर ना है हमारे यहाँ, इसलिए मतलब मोदी सरकार से खुश हैं। अच्छा, हाँ, इसलिए मोदी जी को वोट देंगे। अच्छा, ना तो गैया है वहाँ पर, नहीं लोगों को दिक्कत है। हाँ। हमारे यहाँ गाय फाय ना है, बीजेपी ने बंद करा देंगे गाय। अच्छा। गौशाला बनवाए। बीजेपी के जो नेता है, विधायक, जो सांसद प्रत्याशी, उनका नाम जानते हैं आप लोग? दुर्विजय साहब के हैं, दुर्विजय शाह के आए वो, आप लोग वोट मांगे? अरे मत आए, रिश्तेदार हैं, गांव के बिरादरी के हैं, वोट देने हैं। बिरादरी के हैं, मामला यहाँ बिरादरी वाला है, हैं? है? गांव में मामला बिरादरी वाला फंस रहा है कि विकास वाला है? क्यों? विकास है, जो है विकास तो है ही, लेकिन कुल मिला के बिरादरी की वजह से। पिछली बार संघमित्रा मौर्य लड़ी थी बीजेपी से, जीती थी, कैसा काम रहा उनका बाबूजी? आई काम सही रहो, जैसे हो तैसो। क्या नाम दोस्त आपका? अरविंद कुमार। अरविंद, थोड़ा आगे जो, क्या करते हो अरविंद? खेती करते हैं सर। खेती करते हो आप, कितनी पढ़ाई की आपने? इंटर तक की है। इंटर तक, उसके आगे? उसके आगे नहीं की। क्यों? खेती, परिवार के साथ मतलब काम धंधे में लग गए, फिर नहीं क्या कर पाए। तो आगे पढ़ाई परिवार के लिए और भला होता, अगर और पढ़ते कल को और अच्छा कुछ होता है, नौकरी करते, कहीं जा बाहर निकलते। बड़े हमारे भाई थे नहीं, इस चक्कर से हम कर नहीं पाए, मतलब। अच्छा, हाँ, दिक्कत होती थी। अच्छा, गांव में इस मतलब आप लोग के गांव में कुछ लड़के बाहर भी निकले हैं शहर की तरफ, नौकरियां, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी? सरकारी नौकरी है 5 साल में बीजेपी सरकार में, सरकारी नौकरी तो है ही नहीं इस बीजेपी सरकार में, सरकारी नौकरी करने वाले भी वो बैठ रहे हैं। मनोज कुमार। क्या करते हैं मनोज? मैं तो ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाते हैं जी। तो आप कह रहे हैं सरकारी नौकरी नहीं है? नहीं है ना, गांव के लड़के तैयारी करते हैं या दौड़ते हैं सुबह? करते हैं सुबह, दौड़ते हैं, दौड़ते हैं। अरे गांव के भी तो नहीं, अभी यहाँ पर कोई बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हो नौकरी की? हैं? अभी तो नहीं, बाहर गए हुए, बताए गए कुछ काम से जी। तो गाँव में किसी को कुछ कोई नौकरी नहीं मिली है? किसी को नहीं, हमारे पूरे गाँव में कोई नौकरी में है ही नहीं, कोई भी नौकरी में नहीं, मात्र एक है होम गार्ड में पूरे गाँव में, एक पूरे लड़के पूरे गाँव एक। और कितनी आबादी है इस गांव की? इसमें होगी वही 500-600 वोट होंगे लगभग। 500-600 वोट, परिवार कितने हुए? परिवार लगभग 70-80 परिवार हैं। 70-80 परिवार जी जी जी, घर हैं। अच्छा, जैसे भाई साहब कह रहे थे कि वोट जो है पूरा बीजेपी को पड़ेगा, अरे भोजी को खरीद लिया बीजेपी ने? खरीदा थोड़ी ना, हमारे वोट हम कहीं भी डाल सकते हैं। बिल्कुल, हमारा मन जहाँ कहीं भी डालें। हमारा इस बार दिमाग में क्या मुद्दे रहे, किन मुद्दों पर वोट पड़ना है? वोट देखो किसको मन करेगा इसको डालेंगे हम। बीजेपी सरकार में, हमारी सपा सरकार में ऑटो चलाते थे, जहाँ मर्जी चलते थे, अब जहाँ कहीं पुलिस वाले हैं रोक, यहाँ कर दिए 10,000-20,000 का चालान, कागज है फिर भी ना है, फिर भी चालान कटता है और बहुत ज्यादा। अच्छा, पहले नहीं कटता था? कुछ भी नहीं, कहीं बताऊँ कहीं ले ले घूमते थे, कोई चालान फालान कुछ भी नहीं था। अच्छा,
जब कहे कहीं भी चले जाते हैं पुलिस वालों के इतना वो है दबाव है कि यहाँ यहाँ नहीं भरोगे सवारी, यहाँ नहीं भरोगे। जब सवारी नहीं भरेंगे रोड पर नहीं चलाएंगे के घर में इसको खड़ा करेंगे। पुलिस वालों को बहुत रोल है इसमें नहीं, इस सरकार में। क्या नाम दोस्त तुम्हारा? मुकेश कुमार। क्या करते हो मुकेश? खेती बाड़ी है। खेती बाड़ी, कितनी पढ़ाई की है? पढ़ाई 9th तक। 9th, उसके बाद फिर नहीं की पढ़ाई। गाँव के बच्चे ये 9th 12th इसके आगे पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं कमजोरी इतनी है जो आगे चल के पढ़िए नहीं पाता। क्या कमजोरी? पैसे, पैसे की समस्या आ जाती है। जैसे पैसे की समस्या, हाँ, जमीन जगह है ना, मजदूरी करके कितना खाओगे या पढ़ाई करोगे, क्या क्या करोगे? शोर नहीं, शोर नहीं, आराम से ना भाई। देखो आप लोगों की बात सुनने बहुत दूर से आए हैं, आराम से बात, शोर मत करिए। तो मुझे सुनाई नहीं भैया क्या बोल रहे हैं, और किसी कोई बात बोलनी मुझे बुला लीजिए, मैं आ जाऊंगा। हाँ, जैसे जमीन जगह है ना, तो मजदूरी करके पढ़ाई करें या खुद का पेट पालें, तो वही समस्या आ जाती है। जैसे सरकार तो कहती है कि भाई तमाम सरकारी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, वहाँ कम पैसे में शिक्षा मिलती है। सरकारी स्कूलों में कहाँ पढ़ाई हो रही है? नहीं हो रही, नहीं हो रही है। गांव में प्राथमिक विद्यालय कौन सा? कोई ना, कोई चीज ना, कोई सुविधा ना, ना कोई नौकर है पूरे गांव में, ना कोई स्कूल है, कोई सुविधा ना गांव में। अच्छा, हाँ। तो गांव तो आपके 5000 है, 500 वोटर करीब है, है। हमारे गांव में ना पोलिंग बूथ है, ना हमारे गांव में सरकारी स्कूल है, सरकारी सुविधा हमारे गांव में कोई चीज है ही ना। अच्छा, तो जो आप बता रहे हैं कि दुर्विजय शाह के आए थे वोट मांगने, तो उनसे आपने कहा नहीं, शिकायत नहीं की आप लोगों ने? जो वोट मांगने आते हैं जो अब होंगे, तो आप लोगों ने कहा नहीं कि पिछली बार चुना था संगमित्रा मौर्य को, उन्होंने की पावर ही कितनी, बीजेपी में ओबीसी नेता की पावर ही कितनी है। अच्छा, हाँ, आप कह रहे हैं बीजेपी में ओबीसी नेताओं की पावर नहीं? ना, ऐसा क्यों लगता है आपको? सब है ही ना, काउ की ना कोई बोली ना पाते, ओबीसी को नेता कोई राष्ट्रीय नेता तक ना बोल पाते। अच्छा, क्या बोलना चाहिए, किन विषयों पर बोलना? ओबीसी जात के खातर कस तो बोलो, तुम्हें ओबीसी जात ने तुम्हें चुन के भेजो है, मान लो संसद सांसद हैं या मंत्री है, डिप्टी सीएम है, उन्हें कुछ बोलन देते, कौ आज तक कुछ काम देते, ईमानदारी से बात। केशव प्रसाद मौर्य की बात कर रहे हैं? हाँ, कौ बोलन दो ना। अच्छा, नहीं बोल पाते ना कौ ना, स्टूल मंत्री करके तो मशहूर करते हैं वे, स्टूल मंत्री। हाँ, खबरें आप लोग तक पहुंचती हैं गांव में? क्यों ना, अब तो मीडिया, अब यूट्यूब है, चैनल है, आदमी देखते हैं ये कछु ना कछ। अच्छा, गांव में और क्या देखते हैं? और क्या देखते हैं? मोबाइल पे क्या क्या आता है वीडियो में? पीडीएम सब चीज आती है, राजनीति, देश दुनिया खबर है। हाँ, थोड़ी बहुत तो लोग रखते हैं। देख रहे हैं कि इस बार वोट थोड़ा कम पड़ रहा है, ऐसा क्यों है? आपके गाँव में क्या माहौल है? वोट पूरा पड़ेगा या कम पड़ेगा? वोट पूरा बीजेपी को ही पड़ेगा। हाँ, पूरा पड़ेगा। अच्छा, आप लोग इससे कहते हैं पर वोट पूरा बीजेपी को पड़ेगा, वोट बीजेपी। इसका कारण क्या, हमको समझाइए। या तो बिरादरी वाली बात है इसलिए पड़ रहा है, या कोई काम धंधा उम्मीद है इसलिए पड़ रहा है, या ऊपर नरेंद्र मोदी का नाम है इसलिए पड़ रहा है? नरेंद्र मोदी की बात है जो है, मतलब खास बात है, देखो हर दुनिया में बिरादरी वाज है। हाँ, अच्छा, वे नए आदमी है, उन्हें पहली बार वोट देना चाहिए। अच्छा, जैसे शिवपाल यादव हैं, उनके बेटे आदित्य यादव चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से, और उनके बड़े भाई धर्मेंद्र यादव 2 बार सांसद रहे भी, तो धर्मेंद्र यादव का दौर कैसा था? बहुत बढ़िया दौर हो, सबका चुनाई ने बदाम को नाम रोशन करो। अच्छा। मेडिकल कॉलेज से लेके ओवर ब्रिज से लेके अच्छी सड़कन से लेके सबसे ज्यादा काम आज तक अगर काउ सांसद ने बदायूं करो तो धर्मेंद्र यादव ने। और आप वोट की बारी आ रही था आपके ना, तो लोगों ने धर्मेंद्र यादव को वोट दिया, उन्होंने जब दिए। हाँ, मेडिकल कॉलेज बनवाओ, क्या बात है, वोट दे देना चाहिए। अच्छा, मेडिकल कॉलेज कोई छोटी मोटी चीज ना है, ठीक बात, बहुत बड़ी बात है हमारे बदायूं के लिए। ना तो सब जहाँ पर नहीं बाहर के ही आए, बाहर से ही लूट के बाहर ही चले गए, कौ आज तक कौन खैर खबर ना ली। सबसे ज्यादा अगर विकास करो तो धर्मेंद्र यादव ने। अच्छा, लेकिन वोट बीजेपी को देंगे फिर यो। अरे, ये अद्भुत है। और लोगों से बात करते हैं, इधर भाई लोग खड़े तमाम। अरे, भागने की जरूरत नहीं है, देखो ना ये माइक काटता है ना हम काटते हैं, सिर्फ बात ही करते हैं। क्या नाम दोस्त? मेरा राम सर। थोड़ा सा किसको हम भी आ जाए, पता चला पाइप में लपड़ के इसमें गिर गए नाली में, और मुसीबत। क्या करते हैं आप? मैं मार्केटिंग का काम करता हूँ। मार्केटिंग का, कहाँ पे? बदायूं में। बदायूं में किस तरह का मार्केटिंग, किस कंपनी के लिए करते हैं? दवाइयों का, श्री धन्वंतरी हर्बल्स। अच्छा, दवाइयों का काम करते हैं, दवाई सप्लाई का। तो एमआर हुए क्या आप? जी जी, मैं एमआर हुआ। एमआर हुए गांव में आप जैसे और भी लड़के हैं जो बाहर नौकरी कर रहे हैं, एमआर वगैरह की करते हैं, लड़के बाहर भी रह रहे हैं और गाँव में भी कर रहे हैं। क्या गाँव में इस बार क्या चुनाव को लेकर क्या माहौल दिख रहा है? चुनाव के लिए बहुत अच्छा माहौल है। अच्छा, मतलब कौन जीत रहा है, क्या चर्चा है गाँव में? देखो, चर्चा तो यह है कि बीजेपी को ही वोट जाएगा। अच्छा, बीजेपी को वोट देंगे। जैसे शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव, उनको लेकर क्या है? अब उनका तो देखा नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल में जो भी है, जिसकी इच्छा होगी वो वहीं वोट डालेगा। अच्छा,
आदित्य यादव के बारे में आप लोग और लोग क्या सोच रहे हैं? जो भाई शिवपाल यादव बड़े नेता रहे समाजवादी पार्टी के, भाई छोड़ दे, ताई से आदित्य यादव को इलेक्शन खराब है। शिवपाल यादव लड़ते तो नेका लड़ाई होती हो। अच्छा बे गए इलेक्शन छोड़, ये गांव के नाली दिखा रहे हैं। हाँ नेका और आगे आ जाओ, और आगे आ जाओ। अब गांव आएंगे तो गांव के लोग फिर पकड़ पकड़ समस्याएं भी दिखाते हैं। अब ये नाली है गांव की, कीचड़ है तो वो दिखा रहे हैं पूरा। तो नाली बनी नहीं कभी के यहाँ पर है, तो गांव में गांव का प्रधान भी है कोई? हाँ गांव का प्रधान, हमारे गांव को आज तक कोई प्रधान ही ना है। वो क्यों, क्या यहाँ पर कौन से चुनाव होता है? वो मोगर में होता है प्रधान। अच्छा, और जो देखो गली देखो जो हाल है, चौमासे में होते तो पानी भर जाता है। बरसात के दिन में धर्मेंद्र साहब आम जो खरंजा और पे पड़ गए तो से अब आज तक जामे ना थी बीजेपी सरकार में। एक बजरी तक कोई टुकड़ा नहीं आया आज तक इसमें। अच्छा, तो जो सांसद थी जो विधायक हैं बीजेपी के यहाँ पर, यहाँ विधायक विधानसभा कौन सी पड़ती है? विधानसभा बदायूं। विधायक कौन है यहाँ से? महेश चंद गुप्ता। अच्छा बीजेपी के। हाँ तो उनसे शिकायत नहीं करते जाके आप? नहीं करते हैं उनसे, अब उन्हें तो टाइम होगा मिलता तो नेतागिरी हो जाते हैं फिर विधायक हो जाते हैं। अरे तो आप लोग जिताए हो गए ना वोट देके, तो आप लोग का हक है ना, अधिकार है बोलना पूछना। जाते हैं उनसे अब उन्हें हर वक्त तो ये तो टाइम ना है कि एक एक गली देखा तो फिर। अरे नेता को इतना टाइम कहाँ है, लोग कहते हैं शिकायत करते हैं, नंबर आवे होगा तो पड़ जाएगी। अच्छा जैसे आप अभी बोल रहे थे कि आदित्य यादव लड़ रहे हैं, अगर शिवपाल लड़ते तो चुनाव बढ़िया होता, ऐसा क्यों? बे खुद ही हार मान के चले गए। अच्छा ना तो बे ही लड़ते ना, आप कह रहे शिवपाल यादव ने हार मान ली और का, ना तो उन्हीं को टिकट भाव तो बे ही लड़ते। भाऊ जी जैसे बोल रहे हैं शिवपाल यादव लड़े हो तो अच्छा चुनाव होता, ऐसा है? हाँ, है सही बात है, सही बात है। हाँ तुम लोग माइक कैमरे पे आना है, सब लोग एक साथ लाइन से खड़े हो जाओ, सबका कैमरे पे आ जाएगा। ऐसा है? हाँ ऐसा है। खुद हार मानेंगे तो काम है, पर चुनाव तो लड़ रहे हैं जोरदारी से लड़ रहे हैं। अच्छा लड़ रहे हो, लड़का लड़ रहा हूँ। पिताजी भी तो शिवपाल यादव तो प्रचार तो कर ही रहे ना। प्रचार से काम तुम गांव आए हो आपके आदित्य यादव शिवपाल? नहीं आए, गांव कोई नहीं आए वो। अच्छा आओ तो ना हमारे गाँव, किसी भी पार्टी से नहीं आया जे भाई? अभी जे आए जे मतलब द्रविजय शाक्य के यही लोग आए थे। अच्छा द्रविजय शाक्य आए थे, बीजेपी वाले आए थे। अच्छा तो ऐसा तो नहीं है की मौर्य शाह के लोगों का गांव है तो उसी बिरादरी के लोग आते हैं? अच्छा तो जैसे सामने यादवों गांव है तो वहाँ यादव लोग जाते हैं? तो क्या इस वोट ऐसे आप लोग देते हैं कि मौर्य है तो मौर्य को देंगे, शाह वहाँ पर यादव है तो वो यादव को देंगे? साइकिल को ही देते जाते हैं, हम लोग तो सब लोगों को देते हैं। यादव कोई नेता भी यादव में काम करते हुए और लोग और जाते काम ना करते हुए और हमारे कोई बना है वो कह रहे हैं धर्मेंद्र यादव सबका काम किया था। करो यहाँ पर यहाँ कुछ ना करूँ। क्या कह रहे हैं भैया? अपनी तो मजबूरी है ना वोट देने की, काउ को दे चाहे यहाँ दे चाहे वहाँ दे, क्योंकि मौर्य समाज को कोई बड़ो नेता है ही नहीं। डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में, प्रधानमंत्री बनाना डिप्टी सीएम है ना। डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री तो ना है हमारा, मुख्यमंत्री होना चाहिए हमारा भी। मुख्यमंत्री के लिए वोट दे पैसे मुख्यमंत्री को? हाँ पिछली बार हमने मतलब वोट दिया था मौर्य समाज, हाँ मौर्य समाज में जो वोट दिया था मुख्यमंत्री के खातिर दिया था है ना। अब लेकिन हमारे साथ धोखा हो गया, धोखा चेहरा किसी का दिखाया, किसी को बनाया मुख्यमंत्री। पिछले चुनाव में तो योगी आदित्यनाथ ही चेहरा थे ना, सबसे पहले 17 की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तब आपके हिसाब से प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य होते थे, चेहरा वो थे। हाँ। तो आप लोगों ने इसीलिए वोट दिया? हाँ, इसीलिए वोट दिया। इस बार नहीं दिया क्या 22 में हमारी मतलब कुछ तो अहमियत रही मौर्य समाज की, नीचे आ गए थोड़ी, बिल्कुल नीचे तो ना है, कुछ तो है अहमियत ना है। आप चाह रहे हैं इस खातिर वोट दिया था इससे पिछले में? अच्छा और इस बार क्या प्लान है? इस बार अपना प्लान ये है क्योंकि हमारी एरिया के हमारा परिवार का आदमी है, हमारे भाई हैं, हमारे क्षेत्र के हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, इस वजह से वोट दे रहे हैं। अच्छा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो कैसे लगते हैं आप लोगों? ना वो भी बहुत अच्छे आदमी है अपनी जगह पे, वो भी सही है। और विपक्ष के जो नेता हैं अखिलेश यादव हैं राहुल गांधी वो कैसे लगते हैं? वो भी ठीक है लेकिन अपना हम यहाँ पर रह रहे हैं, अपने यहाँ से रहने के बाद देखना है मतलब हमारे पड़ोस में कौन है उसी को वोट देंगे ना। अब वहाँ पर तो जाएंगे नहीं काम के खातिर तो यहीं जाएंगे अपने यहाँ पर, इसलिए हमें यहाँ से देखना है अभी फिलहाल, तो अब ऊपर देखेंगे जब आगे कुछ होगा तब। गाँव के मुद्दे क्या है आप लोग चर्चा करते हैं? भाई वोट वाला तो हो गया,
काम क्या होना चाहिए जो भी सरकार आती है? स्कूल को काम है हमारे, स्कूल को काम। गांव के बच्चे आप लोग स्कूल बच्चों कहाँ पढ़ने जाते हो? सब बाहर जाते हैं। बावट। बावट कितना दूर है यहाँ से? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर कौन दूर है? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर है। प्राइवेट है सरकारी? क्या आस पास क्षेत्र में सरकारी स्कूल कोई नहीं है? हाँ कासमपुर में है लेकिन हमारे गाँव में होना चाहिए ना। कितना दूर है वो? बहु 1 किलोमीटर से ज्यादा है। अच्छा गांव में होना चाहिए। हाँ, सरकारी स्कूल होना चाहिए, पोलिंग बूथ अलग होना चाहिए हमारे गांव को। अच्छा। बस मेन समस्या है शिक्षा को लेकर जो आपने बताया कि भाई स्कूल होना चाहिए। स्वास्थ्य की क्या सुविधाएं आप लोग, जैसे कोई बीमारी वारी होती है इलाज तो कहाँ जाना पड़ता है? बधाई हूँ डायरेक्टली बधाई। जो CSC PSC होते हैं गाँव में? ना कोई चीज, कोई ना है आस पास गाँव में नहीं ना। ललही है, लाई। कितना दूर है वो जहाँ से? 4 किलोमीटर से ज्यादा समथिंग। और वहाँ इलाज होता मांग गए कभी? ना आज तक ना गए। कोई गया गांव का कभी CSC PSC? तो कहाँ जाते हैं फिर आप लोग? बदायूं जाते हैं। बदायूं। अच्छा तो जैसे अब नेता लोग आते हैं, चुनाव आता है तो ये सही मौका होता है, तो दुर्विजय शाह क्या है तुमसे बोला आप लोगों की हमारे गांव में स्कूल अस्पताल इस तरह हो जाएंगे? तब बोलेंगे तो रिश्तेदार हैं उनकी। हाँ। तो कहा जब चाहूँ तब उनसे कह। सबके रिश्तेदार हैं? हाँ पूरे गांव के रिश्तेदार हैं, गाँव के क्षेत्र के हैं, पड़ोस के गाँव है, मौर्य समाज से रिश्तेदार हैं। तो ये कौन से गांव बताए थे? मोगर गौटिया गांव आए थे बदायूं क्षेत्र में, और यहाँ हमने चर्चा की, यहाँ ज़्यादातर मौर्य समाज के लोग रहते हैं, और उन्होंने जो अपनी राय रखी, जो मुद्दे रखे वो आपने सुने। ऐसे और गांव में जाएंगे, वहाँ के मुद्दे जाने समझेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिस्ट्रिक्ट। शुक्रिया।